जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ रहा है लेकर एक और मैच, इंडिया लीजेंड वर्सेस इंग्लैंड लीजेंड मैच की बात हम वीडियो में करने जा रहे हैं। कैसा होगा मैच? देहरादून पहुंची है सवारी, आपको पता है लीजेंड लीग की मौसम कितना साथ देगा और कौन सी टीम का फॉर्चून खुलेगा। भारत का हम पहले मैच के बाद से मैच देखने को तरस रहे हैं, देखने को नहीं मिला है, दो मैच बारिश की भेंट चढ़ गए हैं, उम्मीद करते हैं ये पूरा मैच देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ विपक्षी टीम है सामने इंग्लैंड, उनका क्या हाल रहेगा? क्या इंग्लैंड की जीत का खाता खुलेगा? खुलेगा तो कैसे खुलेगा, उस पर भी बात होगी। फैंटेसी टीम बनेंगी, प्लेइंग 11 पे चर्चा होगी विस्तार से। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले ये करना है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, नोटिफिकेशन बेल दबा के जाइएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का सबसे ऊपर वाला जो कमेंट है वहाँ दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन का ऑप्शन दबा के कर लीजिए क्लिक। अगर ऐसे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो क्या करें? तो ये करें कि सीधे जाएं टेलीग्राम ऐप पर, वहाँ जाके सर्च करें क्रिकेटोलॉजी, जो हमारे चैनल का नाम है। जब आप क्रिकेटोलॉजी सर्च करेंगे आपको ढेरों चैनल दिखेंगे, उन ढेरों चैनल में से ये वाला चैनल जो भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको ज्वाइन करें। इसके अलावा कोई भी चैनल ज्वाइन ना करें, यूजर नेम जरूर क्रॉस मैच कर लें, अन्यथा फेक चैनल्स पे आप जा सकते हैं। ठीक, आपके साथ हो सकती है ठगी, उससे बचिए। आ जाते हैं मैच में। ठीक है, तो देहरादून का जनरली जो पिच रहता है वो थोड़ा स्पिन फ्रेंडली रहता है, लेकिन इवनिंग गेम है और इवनिंग में भी बारिश का मौसम अभी रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो थोड़ा पेसर्स के लिए भी हेल्प मिल सकती है। शायद उतना टर्न ना मिले, पूरे मैच हो जाए, बारिश का कोई व्यवधान ना रहे, यही बड़ी बात है। प्लेइंग 11 पे आऊं तो इंग्लैंड का जो प्लेइंग 11 पिछले मैच में इंग्लैंड ने खेला था उसमें जो था वो ये था। फिल मस्टर्ड थे, मेल लॉय थे, इयान बेल 3 नंबर, डारेन वेडी 4, रिकी क्लार्क सुपरस्टार थे इनके पिछले मैच के 5 नंबर, 50 लगाई, 2 विकेट लिए इन्होंने। मस्करनहास, टिंडल, ट्रेम्बलेट, पैरी, स्कोफील्ड, डर्नबैक, ये प्लेइंग 11 इंग्लैंड का था। इसमें पैरी और स्कोफील्ड के रूप में 2 स्पिन ऑप्शन थे, तो डर्नबैक, ट्रेम्बलेट, मस्करनहास, टिंडल के रूप में 4 पेस ऑप्शन, फिर रिकी क्लार्क के रूप में एक और ऑप्शन इनके पास था, डैरन मैडी के रूप में था। तो बॉलिंग ऑप्शन की कमी नहीं थी इनके पास पिछले मैच में भी, और इस बार भी कमी नहीं रहेगी। अगर देखा जाए तो मस्टर्ड, लॉय, बेल 3 प्लेयर्स को छोड़ दूं तो 8 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास बन जाते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। गहराई तो है गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में थोड़ा सा कमजोर जरूर दिख रहे हैं। हालांकि रिकी क्लार्क ने 5 नंबर पे पिछले मैच में 50 लगाई, लेकिन दैट वाज नॉट एनफ, इंग्लैंड फिर भी हार गया। ठीक है, दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया का यार पहले मैच में मजा आया लेकिन उसके बाद से देखने का ही मौका नहीं मिल रहा है, क्या करें। पिछले मैच में थोड़ा माहौल बना था सचिन का, वो कवर ड्राइव, वाह वाह वाह, लेकिन बारिश। इंद्र देवता भी आ गए कि भाई मैं भी देखूंगा सचिन तेंदुलकर को, और उन्होंने हमें भी नहीं देखने दिया। खैर, सचिन तेंदुलकर, नमन ओझा, 3 नंबर रैना, 4 बिन्नी, 5 युवराज, 6 यूसुफ, 7 इरफान, 8 गोनी, 9 मिथुन, 10 प्रज्ञान, 11 राहुल, ये प्लेइंग 11 भारत का बन रहा था पिछले मैच में। और इसमें मैंने जैसा बोला था कि नमन ओझा को छोड़ दूं मैं, तो 10 के 10 ऑप्शन ऐसे हैं जो गेंदबाजी कर सकते हैं, मतलब तो कमाल है ना ये, जिसमें मिथुन, गोनी, इरफान और बिन्नी के रूप में 4 पेस और 6 स्पिन ऑप्शन भारत के पास। बाप रे बाप, राहुल और प्रज्ञान लीड स्पिनर, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, आए आए सब स्पिन फेंक लेते हैं और सबने 100+ विकेट लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ऐसा भी नहीं कि आए वही है बस, कितनी बड़ी बात है। बहुत गहराई है इस टीम में, बहुत सारे ऑप्शन इस बॉलिंग में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर यही रहेगा। बस बिन्नी के नंबर 4 पे आने को लेकर मुझे जरूर संदेह है कि इनको लेके कंटिन्यू करेंगे 4 नंबर पे कि नहीं करेंगे, ये इंटरेस्टिंग टू वॉच है। ठीक है, खैर, प्लेइंग 11 की बात होगी, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूं तो भारत के लिए सुरेश रैना और स्टुअर्ट बिन्नी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यूसुफ पठान अगर पहले बैटिंग करता है इंडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, चीज में शायद उनको उतना मौका मिले नहीं। और इसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से रिकी क्लार्क बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, डैरन मैडी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उसके अलावा स्टुअर्ट पैरी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बाकी तो प्लेयर्स का मुझे लगता नहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंग्लैंड के लिए। फटाफट बात करते हुए चलते हैं फैंटेसी टीम पे, क्या हो सकती है आपकी, वो मैं आपको दिखाने जाऊं, लेकिन उससे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि फैंटेसी आपको खेलना कहाँ है। तो आपको फैंटेसी खेलना है विजन 11 ऐप पर। विजन 11 का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर दिया हुआ आइकॉन आपको दिख रहा है। ड्रीम 11 के बाद सबसे बढ़िया ऐप है, 1 रुपये से लेकर 10,000 तक का जितने तरह का कॉन्टेस्ट आपको चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगा, तो बेधड़क आप जुड़ सकते हैं विजन 11 से अभी। और फ्री गिव अभी आपको हर मैच में मिलते हैं मेरी तरफ से, आप अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो, और अगर आप गूगल से करते हैं तो मेरा रेफरल कोड एमएस राघव लगा देना। ठीक है, उसके अलावा बोनस का अच्छा उपयोग कर सकते हो, प्रो कबड्डी आ रही है जो हम यहीं खेलेंगे तो उसके लिए भी रेडी तैयार रहिएगा। ठीक है, फैंटेसी टीम दिखा देते हैं, तो देखिए 2 टीम मैंने बनाई है सिचुएशन के हिसाब से।
अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तब आपको क्या टीम रखनी है। इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो आपको ये टीम रखनी है, देखें फिल मस्टर्ड और नमन विराट के रूप में दो विकेट कीपर आपको रखने हैं, दोनों ओपनिंग है, ओपनिंग करेंगे अपनी टीम से, दोनों की फॉर्म ठीक ठाक चल रही है। तीन बैटिंग ऑप्शन, इंग्लैंड से कोई बैटिंग ऑप्शन आपको नहीं लेना है अगर इंग्लैंड चेज करेगा तो। इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है इस सिचुएशन में तो भारत के ही ऑप्शन रखने हैं आपको, तेंदुलकर रखने हैं, रैना रखने हैं और यूसुफ पठान रखने हैं। रैना से बॉलिंग की श्योरिटी है इसलिए रैना कैप्टन है मेरे और तीन नंबर बैटिंग भी करेंगे। नमन सचिन में से कोई एक जल्दी आउट हो सकता है लेकिन कौन होगा कैन नॉट से, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, दोनों को लेकर जा रहा हूँ। तीन नंबर रहना यूसुफ पठान को लेकर जा रहा हूँ क्योंकि अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो इनके स्ट्रांग फिनिश से ही भारत जीत के राह पे पड़ेगा। ठीक है, तीन आपके ऑलराउंडर ऑप्शन लेके जा रहा हूँ मैं, स्टुअर्ट बिन्नी और यूसुफ इरफान पठान, कारण कि दोनों स्ट्रांग फिनिश भी करा सकते हैं इंडिया को और बिन्नी अगर चार नंबर खेले तो लग्जरी है। फिर इरफान हो गए, ठीक है, चार ओवर इरफान से मिलेंगे, एक दो विकेट जरूर मिल जाएगा चार ओवर में। रिकी क्लार्क पिछले मैच के हीरो थे इसलिए और वाइस कैप्टन इस टीम के, ठीक है। उसके अलावा स्टुअर्ट पेरी, क्रिस टेम्बलेट और राहुल शर्मा। अब देखिए चार से ज्यादा ऑप्शन ले नहीं सकते इसलिए दो इंग्लैंड के बॉलर्स के साथ जा रहा हूं मैं, एक पेरी और एक टेम्बलेट, क्योंकि पावर प्ले में अगर विकेट गिरेगा तो टेम्बलेट को मिल सकता है, मिडिल ओवर्स में जाएगा तो पेरी को मिल सकता है, राहुल शर्मा भारत के लिए स्टार बॉलर साबित हो सकते हैं इसलिए। तो ये कहानी आपकी टीम अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो, इंडिया पहले बॉलिंग करे तो हम इस टीम में कुछ बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे देखें, इंग्लैंड की पहले बैटिंग के केस में टीम आपके सामने है, विकेट कीपिंग में कोई बदलाव नहीं, सेम रहेगा। बैटिंग में यूसुफ पठान को ड्रॉप करेंगे, उनकी जगह इयान बेल को लेकर आएंगे, ठीक है थोड़ा। और कैप्टन वाइस कैप्टन में कोई बदलाव नहीं होगा, वही रहेंगे जो पहली टीम में थे। दूसरा बदलाव यह होगा कि स्टुअर्ट बिन्नी की जगह युवराज सिंह को हम लेकर आएंगे, क्योंकि अगर भारत चेज करने जा रहा है तो शायद बिन्नी को भी बहुत कुछ करने को मिले ना, तो युवराज सिंह की जो स्पिन है, लेफ्ट आर्म स्पिन है, वो थोड़ी हैंडी साबित हो सकती है और उनको विकेट मिल सकता है एक दो। इरफान फॉर सेम रीजन जैसे पहले टीम में लिया था, बॉलिंग में यहाँ पे स्कोफील्ड की जगह, जो सॉरी ट्रेम्बलेट की जगह अभिमन्यु मिथुन को लिया कि अगर भारत पहले बॉलिंग करेगा तो ज्यादा विकेट गिरने की संभावना है, तो भारत के ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन को मैं लेके जा रहा हूँ। तो अभिमन्यु मिथुन, राहुल शर्मा, इरफान और यूसुफ और युवराज और इनके साथ रहना तेंदुलकर, मतलब पांच छह ऑप्शन भारत के भी हमने गेंदबाजी में लगा दिए हैं ऑल इन ऑल। तो भारत अगर पहले बॉलिंग करेगा तो ये टीम और बैटिंग करेगा तो वो टीम, इसी कॉम्बिनेशन के साथ आपको उतरना है। वीडियोस को मैंने शॉर्ट रखा है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा शूट कर नहीं पाऊंगा, ठीक है बस। बाकी हमारा आपका मिलने का सिलसिला जारी रहेगा, आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर जाइए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि मैं फुल एनर्जी से लौट सकूं अगले मैचेज में। इस बार विदा दे दीजिए जल्दी, थोड़ा मिलते रहेंगे इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, जय माता।